पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए। अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव है। बीजेपी का एक बार राहुल गांधी पर फिर से पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में पेगासस नाम का हथियार डाल दिया गया है। अगर हथियार डाल दिया गया तो इतने दिन तक राहुल गांधी चुप क्यों बैठे रहे। इस पर उन्होंने FIR दर्ज की। क्या कोई हथियार नहीं है? जो चीज नहीं है उसका हथियार बनाकर इन्हें संसद को सिर्फ रोकना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद में आज पार्टियों ने अपने प्रश्नों को रखा, लेकिन कांग्रेस और TMC सांसदों ने सदन के स्पीकर पर कागज फेंके। संसद में मौजूदा अधिकारियों के ऊपर भी वे चढ़े। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना है। मौसम विभाग का दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर अगले 2 दिन तक यात्रा न करने की चेतावनी। उत्तर पश्चिमी चीन में रेत का तूफान एक शहर को निगल गया। रेत का यह तूफान करीब 100 मीटर ऊंचा था। देखिए वो खौफनाक मंजर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ट्रक और बस की आपसी टक्कर में 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। पोर्न फिल्मों में मोटी कमाई करना चाहते थे राज कुंद्रा, 2023 तक 34 करोड़ कमाने का था टारगेट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि अगला चुनाव मोदी और पूरे देश के बीच होगा।